जय माता दी, बोलो बच्चे, जय माता दी, जय माता दी, जोना बच्ची की महारानी की जय, जय लक्ष्मी महारानी की जय। जय माता दी, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज का दिन है तीसरा। रात को हम लोग 2-2.5 बजे कुछ पहुंचे थे हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने होटल लिया। होटल का तो आपको बताया मैंने कि समथिंग अराउंड 1000 रुपीज़ का हम लोग को होटल पड़ा। एक रूम उन्होंने, 2 रूम लिए हैं, एक में मेरी फैमिली और मेरे भाई दूसरे रूम में है। तो रात भर अच्छे से सोने के बाद हमने सोचा कि अच्छे से सो जाएंगे, उसके बाद आराम से ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ पे आराम से पहुँच के रेस्ट करें और दूसरे दिन भैरव बाबा का दर्शन करके नीचे उतरेंगे। कैसे करने वाले हैं वो आपको पूरा बताऊंगा। पूरे ब्लॉग में जमे रहिए और देखते रहिए। और रूम बहुत मेसी है ओनली बिकॉज कि साथ में बच्चा भी है तो गंदा तो होता ही है और सामान भी बहुत सारा है हमारा। एक बैग मैंने रेडी किया हुआ है मेरा, ये मैं लेके चलने वाला हूँ साथ में, क्योंकि इसमें सब जरूरत की सामान है, स्वेटर वगैरह, और एक्स्ट्रा एक कपड़ा भी लिया है मैंने जो मैं साथ में कैरी करूँगा, कोशिश करूँगा। हल्का ही है स्वेटर तो आगे जाके पहनना है, अभी थोड़ी ठंडी कम लग रही है। सुबह बहुत ठंडी लगी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी सुबह सुबह, और अराउंड 6 बजे तक बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, 7 बजे तक फिर थोड़ा कम होना शुरू होता है, बट है अभी भी ठंडी। ठीक है, जमे रहिए और देखते रहिए। तो ये देखिए मेरी बच्ची धृति सो रही है और यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, जय माता दी, जय महादेवी। और ठंडी के लिए जो हमने घर में ही मेरी मम्मी ने जो रेडी किया था, ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं, हर तरीके के ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें। अभी क्या क्या है मैं आपको कैसे बताऊँ, मुझे खुद को नहीं पता। बड़े खाने से बहुत अच्छा रहता है और बॉडी में गर्म फील होता है थोड़ा, तो खाना चाहिए। ये मेरे भैया और ले 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 भाई रेडी हो गए और निकलने के लिए फुल तैयारी में। जो होटल में हम लोग रुके थे, ये कार हमको जो वहाँ तक द्वार तक ले जाएगी, बैग रेडी और सब लोग बाय करते हुए। यात्रा पर्ची काउंटर नंबर 2, काउंटर नंबर 2 यहाँ से हमको यात्रा पर्ची लेना पड़ता है। और हम लोगों ने ऑलरेडी यात्रा पर्ची ऑनलाइन निकाल दिया था, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ FID कार्ड जो बोलते हैं वो लेना है। जय माता दी, लेता हूँ लेता हूँ लेता हूँ। यात्रा दिखाना है इसलिए मैं तो शूट में नहीं आ सकता। ये आप लोग दुकान देख सकते हो, हमें फोटो वगैरह शूट करने के लिए सब कुछ मिलता है। दीदी की ट्रॉली रेडी है। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय दीदी, जय जय माता दी, बोलो जय माता दी, जय माता दी, जोना बच्ची की महारानी की जय। अच्छा खासा हालत खराब है, राजा भी बोझा उठा के चल रहा है। बहुत ज़्यादा हालत खराब, इतना ठंडा नहीं है, बॉम्बे के हिसाब से थोड़ा हल्का ज़्यादा रहेगा। और ये देखो हमारी दीदी ने भी स्वेटर नहीं पहना है। दीदी स्वेटर पहना, तुमने नहीं पहना ना, थर्मल अंदर थर्मल पहना है, उल्लू बना रहे तुम, नहीं बना रहे हो। जय माता दी, जाओ जय माता दी। सफर शुरू होगा, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे चेकिंग होती है पूरी बैग्स की, एक्सरे चेकिंग होगी और उसके बाद आगे दर्शन करने निकलेंगे। सिक्योरिटी पोस्ट भवन का रास्ता यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ से यात्रा पर्ची लेके शुरुआत कर दी है हमने। जय माता दी,
मत लगाओ। तो ये दीदी के लिए हम लोगों ने ले लिया है बैठने के लिए। यहाँ दीदी मजा आ रहा है। अर्धकुंवारी का बैग डालो। हम लोगों ने एक बैग के लिया एक और एक पीछे डाल। हो गई शुरू और सबसे पहले माता जी का दर्शन करते हुए दीदी भी ट्रॉली में बैठ गई। दीदी हाय करो, नहीं करेगी दीदी। जय माता दी। बैग भी आ गया हमारा जगह जगह पे आपको फोटो खींचने के लिए। ये गुलशन कुमार का टी सीरीज का शोरूम है और यहाँ से गुलशन कुमार का यहाँ से लंगर भी लगता है। यहाँ पे गुलशन कुमार का जो गुलशन कुमार जी है उनके लंगर का व्यवस्था है और लोग चलना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, सब चल रहे हैं। तो ये पालकी और पिट्टू की जो बोर्डिंग पॉइंट होती है यहाँ पे पेमेंट करना होता है। पेमेंट करके अपने को ऐसे अकाउंट चेक ये मिलता है, रिसीट मिलती है। रिसीट मिलने के बाद इनका आईडी भी अपने पास जाएगा। चलो जय माता दी। जय माता दी वाला ब्लॉग बहुत लंबा रहने वाला है ओनली बिकॉज हमने प्लान किया कि आज ही उतरने का। कल हमको जाना है जम्मू कश्मीर। देखो आप लोग यहाँ से प्रॉपर जो शुरू होती है यात्रा वो यहाँ से बुकिंग करने के बाद गेट है मेन गेरा पर यात्रा भी शुरू हो चुकी है। सांड चढ़ा है घोड़े पे, सांड होता है, सांड चढ़ा है घोड़े पे। वो कैसी हालत होगी आप लोग ही समझो जानवरों की। बोलो जय माता दी, जयकारा शेरा वाली का। सहारा चाहिए घोड़ों का नहीं लकड़ियों का। लो यहाँ पे आने के बाद सिम कार्ड नहीं चलता है तो आपको यात्रा सिम भी मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो। 500 रुपये में समथिंग 5 दिन का है इनका पैकेज और यहाँ से जाने के बाद वो नहीं चलता है, जो चलेगा यहीं पे चलेगा। तो आपको चाहिए तो जगह जगह पर अवेलेबल है, आप लोग आकर यूज़ कर सकते, ले सकते हैं। अगर आपका अगर आपके पास बिलिंग है बिलिंग सिम कार्ड तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिलिंग सिम कार्ड यहाँ पर चलता है तो आप लोग बिलिंग सिम कार्ड ही लेना। बाण गंगा बाती घाट गीता श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बाण गंगा प्रवेश करें। हम लोग इतना सब जो YouTube से देखा है मैंने उस बारे में अगर बताओ तो ये हनुमान जी को बहुत प्यास लगी थी तो माता जी ने बाण चलाकर जो पानी निकाला था उसे ही बाण मंगा गए थे। ये देखिए अच्छे दरबार की हर हर महादेव हर हर महादेव। जोर से बोलो।
चरण पादुका के और पहुंचे पास ये वही जगह है जहाँ पे भैरव बाबा को माता जी ने पीछे मुड़कर देखा था। आप लोग देख सकते हो चरण पादुका। वही जगह है जहाँ पे माता जी ने भैरव बाबा को पीछे मुड़कर देखा था और यहाँ पर माता जी के चरण के स्पर्श आ गए थे। और हम लोग यहाँ पे अभी रुके दर्शन करने हैं। हमारी एक पार्टनर पीछे ही रह गई है, वो चल नहीं पा रही है ज़रा, पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको पूरा वहाँ तक चलाएंगे या फिर आगे जाके कुछ ऑप्शन लेंगे। जय माता दी, जय माता दी। माता जी के यहाँ पर आपको नौ रूप देखने के लिए देखने मिलेंगे। सबके सब नौ रूप हैं यहाँ पर माता जी के। आप लोग आएंगे तो यहाँ पे अंदर दर्शन जरूर करना, और करना ही चाहिए। बोलो नमः पार्वती फते हर हर महादेव। नाश्ता करने के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा शरीर गरम करेंगे और फिर निकलेंगे। मुझे चाय पट्टी एक नमक पारा दिखाओ ना। चाय और ये नमक पारा और ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? नमक पारा। वही शंकर पाला जो हम लोग बनाते हैं दिवाली में, जो शंकर पाला बनाते हैं वही नमक पारा सेम दिखता है। मटरी और साथ में चाय। आ जाओ, चाय नाश्ता कर लो, आ जाओ। कहीं कहीं पे मतलब मोस्टली 80% जगह पे ऐसा बना के रखा है कि चलने के रास्ता, चलने का जो रास्ता है यात्रा, वो अलग है और घोड़े और खच्चरों के लिए अलग बना के रखा गया है। अब देख सकते हैं अलग अलग आ रहे और अलग अलग जा रहे हैं। कहीं कहीं पे थोड़ा सा बीच में डिवाइडर नहीं दिया है तो वो लोग अपना रास्ता भटक के रूट चेंज कर लेते हैं, बट मोस्टली 80% दिया गया। था मैं फिक्स था, ये था कार के बैठी है, बैठ के एक किलोमीटर पीछे हम लोग चल रहे हैं बाकी लोगों से, बट ठीक है। ये डूबते को दिन का सहारा, इनके का सहारा, ये हमारा साथी है। ये लकड़ी हमेशा साथ देगा यात्रा करने के लिए भी और मरने के बाद जलने के लिए भी। वाह, घोड़ा नहीं चाहिए, अभी 2 किलोमीटर बचा है, चल के जाएंगे। हाँ 10 किलोमीटर चलेगा, चल के जाएंगे। फिर पैरों में जान अभी भी बाकी है, जब चाचा चल सकते तो हम क्यों नहीं चलेंगे। सही बात है, हाँ सही बात है। जय माता दी, जय माता दी, भोले शंभो हर माने। श्राइन बोर्ड द्वारा जगह जगह पे टॉयलेट का प्रबंध किया गया है। आप लोग देख सकते हैं अभी तक ये 8वां नंबर टॉयलेट है और हम लोग चढ़े हैं अभी तक सिर्फ 4 किलोमीटर। जेंट्स टॉयलेट, लेडीज टॉयलेट सब दिया गया है, तो किसी भी यात्री को तकलीफ ना हो, इसलिए हर जगह
वॉशरूम का प्रबंध कर दिया गया है, तो इसलिए माता जी का आशीर्वाद है, चलते रहिए, जय माता दी बोलते रहिए। तो यहाँ पे हमने जस्ट सैंडविचेस लिए भैया के पास से, और कॉफ़ी और सैंडविचेस, कॉफ़ी डे ब्रिविजेस करके शॉप है अर्धकुंवारी के पहले। ये अर्धकुंवारी अभी जा रही कि यहाँ पे भवन का रास्ता ही है, भवन का अर्धकुंवारी पीछे रह गया ना, तब घूमते हुए वापस आएंगे, यहीं से भी आ सकते हो, घूमते भी आ सकते हो, तो वापस अर्धकुंवारी जाना पड़ेगा ना। हाँ, अर्धकुंवारी जाना ही पड़ेगा। हाँ, और भैया बैठे वहाँ पे, बाबू का सफर का मजा लो, कॉफी लियो, पियो। हिमकोटी 650 meters, बस 650 किलोमीटर बाकी है, पर 650 मीटर बाकी है हिमकोटी के लिए, और फिर हम लोग चलते हुए चलते रह रहे हमने अर्धकुंवारी के लिए थोड़ा स्किप किया, फिर भवन आएंगे, भवन जाते हुए फिर अर्धकुंवारी, एक दूसरा रास्ता बना हुआ है जो सीधा भवन के पास ले जाता है, फिर आते वक्त अर्धकुंवारी होती है खत्म करेंगे, नैना की हालत खराब होते हुए हम पहुंच चुके हैं हिमकोटी, डोसा पॉइंट हिमकोटी। यहाँ पे इडली डोसा तो आपको नाश्ता वगैरह चाहिए वो पूरा मिलेगा, और लाइन लगी होती है कैश काउंटर के पास खाने के लिए, बहुत सारी भीड़, बट हम लोग ऑलरेडी पेट में भर के चल रहे, तो हम लोग कुछ खाएंगे नहीं और आगे निकलेंगे। बोलो जय माता दी। हाँ जी, हाँ जी, पुलिस चेक पॉइंट, जेंट्स और लेडीज़ के अलग अलग रास्ते बनाए गए, और ये हिमकोटी पुलिस चेक पॉइंट है, आप लोग देखिए। तो चलते चलते हम लोग इतना तक पहुँच गए कि अब शायद भवन हमको दिखने लग गया है, तो बस थोड़ा दूर का सफ़र और तय करना है, फिर हम माता जी के चरणों में होंगे। तो भवन सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया है, और हम लोग चलना अभी तक बंद नहीं कर रही है क्योंकि शाम हो जाएगी, 3 बज चुका ऑलरेडी, धीरे धीरे चलते रहेंगे तो भवन की तरफ जाके ऊपर भैरव बाबा के दर्शन आज ही कर पाएंगे। ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मुझे हर एक छोटी छोटी जानकारी भी देनी बहुत ज़रूरी है, और लंबा रास्ता है 13-13.5 किलोमीटर का, तो उस हिसाब से अर्धकुंवारी हमने थोड़ा स्किप किया, वापस आते टाइम हम अर्धकुंवारी पे जाएंगे, चल ही रहे अभी तक। डिसेबल लोग भी खुद के पैरों पे चल के जाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर चलना मानते हैं वो लोग बूढ़े थे, कच्चे चक्कर खुद के चक्कर में पड़े चलते चलते और बढ़ते हुए बस थोड़ी दूर और भगवान दर्शन और माता जी के दर्शन सकेंगे। बोल जयकारा श्री राम वाली माता की जय, क्योंकि मौसम बहुत बदल चुका है, धूप तो आ ही रहा है, साथ ही साथ ठंडी हवा भी चल रही है, तो आप लोग
ना लगा सकते हैं कि क्या हालत होगा, बट भवन हमको शायद दिख भी रहा है और सबसे हम लोग पुलिस चेक पॉइंट भवन और यहाँ से भवन की ओर तो जो भवन चेक पॉइंट है चेक पोस्ट है तो वहाँ हम लोग ने वहाँ से वहाँ आने का रास्ता है, वहाँ से लाइन होती है, यहाँ से लाइन है और देखते आप लोग स्काई वॉक मनीष स्काई वॉक बेस्ट है ये, जल्दी पहुँचना है तो शूट निकालना है, मैं रखना पड़ेगा लेके चलते हैं, चेक तो कर लिया है ना, तो हम 5 नंबर गेट से अंदर जा रहे हैं, गेट नंबर 5, चलो चलो 5 नंबर गेट से अंदर, तो हम लोग 5 नंबर गेट से अंदर जा रहे हैं और दर्शन के लिए जो लाइन होती है वो लाइन में हम लोग लग चुके हैं, ज़्यादा गर्दी नहीं है इसलिए शायद आधा घंटा या 10-15 मिनट जो भी हो दर्शन मिल जाएगा, और आप लोग को अगर आना हो तो जल्दी सुबह निकलना और जल्दी दर्शन करके नीचे उतरना, क्योंकि यहाँ रुकने का कोई व्यवस्था नहीं है, रुक नहीं पाओगे और रुकना चाहोगे भी तो दर्शन करके आ गए हम लोग, और अभी भोजनालय से भोजन कर रहे हैं, थोड़ा राजमा चावल, कढ़ी चावल, सांभर वड़ा, वड़ा सांभर स्वादिष्ट है, आने के बाद अंदर जाके चल के आने के बाद भूख तो लगती है बहुत, तो खाने के बाद बात करते हैं। ये है रात का सीन, रात का समय का सीन, आप लोग देखिए कितना सुंदर दृश्य, भैरव बाबा है वो ऊपर, भैरव बाबा के पास जाना है, का समय और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, और सब लोग देखो अपना स्वेटर वगैरह सब पहनना शुरू कर चुके हैं, और हम लोग के हाथ देखो पूरा बहुत ठंडे हो चुके हैं, पूरे राजा की हालत तो क्या बोलो, अभी कब से कांप रहा है बेचारा, बट ठीक है अभी ठंडी का मज़ा तो लेना पड़ेगा, और ये है ऊपर भैरव बाबा का मंदिर, और हम लोग अभी है वैष्णो देवी में माता जी के मंदिर में, और यहाँ से होके अभी वापस हमको वहाँ जाना होगा, और जिग-जैग 1.5 किलोमीटर भैरव बाबा के दर्शन करके हम वापस आएंगे, और कोशिश रही रहेगी कि रात तक कंप्लीट करें, पर देखेंगे क्या करना है, यहाँ पे आरती का समय है, आरती चालू है, उसके बाद आज का अगर हमने ख़त्म कर दिया तो आज ही डे फ्री ड्रॉमेट्री देख सकते हैं कैसा बनाया गया है, और बहुत जनों के रहने के लिए कैपेसिटी है, ये हम लोग सेकेंड फ्लोर में है, मतलब डाउनवर्ड्स पे देख सकते हैं आप लोग ऊपर, वहाँ से 1, 2, 3 और ये 4 समझ सकते हो,
कि बहुत जगह है, बहुत स्पेस, वॉशरूम वगैरह भी दिया गया है, तो कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोग आके डायरेक्ट भी बैग लेके आप आ सकते हो, और आप लोग यहाँ इसमें आराम से रह के 100 रुपये कम्बल मिलता है, और वापस कम्बल देने पे आपको 100 रुपये वापस भी मिल जाते हैं। तो आइए और लाभ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बोलो जय माता दी, माता रानी की जय। ये देखिए हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे, अभी हम लोग ब्लॉक करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि हम लोग दर्शन के लिए निकल चुके थे। अब देखो ऐसा हम लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पर। कौन सुहागन के